राम राम जी, कैसे हो आप सब भाई। स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। तो भाई फाइनली आज हैं हम कैला माता रानी के मंदिर के पास में। जी हाँ, मतलब जिला करौली राजस्थान। भाई मस्त मौसम हो रखा है सुबह सुबह का। ये देखो धूप निकल रही है, सामने बस स्टैंड है। ये है अपना रूम, फैंटास्टिक रूम, क्लासिक रूम। अभी जी कैसा रूम है? बढ़िया है ना? कितने रुपए में था ये? 400 रुपये। भाई 400 रुपये के हिसाब से बहुत सही है। अपना नहा धो लिए भाई, अपना सब सामान वामान पैक रखा है। अब ये बैग डालते हैं नीचे गाड़ी में और माता रानी के दर्शन करने के लिए चलते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर देखते हैं, देखते क्या है, फिर बालाजी महाराज के दर्शन कराएंगे मेहंदीपुर बालाजी। भाई गाड़ी ये है छीना। तो भाई फाइनली अब चल दिए हैं मंदिर की ओर। हमें तो भाई भीड़ भाड़ नहीं है बिल्कुल है? ये देखो भाई यहाँ से है सामने एंट्री दिख रही होगी आपको। ये प्रसाद वरसाद यहाँ आपको मिल जाएगा, प्रसाद नहीं मतलब केवल प्रसाद, ठीक है? यहाँ से आप लेके जा सकते हैं। अमित जी ले लिया जाए यहाँ से? चलिए। ये देखो बिल्कुल खाली से पड़ा हुआ है भाई अभी तो, बाकी अंदर चल के पता चले। ये देखिए भाई कवर्ड है पूरा, बढ़िया एकदम। ये देखो अमित जी बिल्कुल पड़ा हुआ खाली, एकदम एम्प्टी, देखना। ये है भाई। तो भाई फाइनली अभिजीत दर्शन करके आ चुके हैं मैया रानी के और मैं भी। तो भाई ये जो है ना अपनी माता रानी, ये है कुल देवी, ठीक है, कैला देवी मैया। तो यहाँ पे हो गए अपने दर्शन और अब निकल रहे, सामने खड़ी हुई है अपनी गाड़ी होटल के पास, तो उसको लेके निकलते हैं यहाँ से श्रीमन बालाजी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। अमित भाई चाय वाय पीनी है? तो देखो भाई अमित जी ये हाँ हाथ में डस्टर ले गया और डस्टर मिल गया अमित भाई को, तो फटाफट से शीशा पे मारते हैं और इधर पी रहे भाई अपन लोग चाय बनवाइए यहाँ पर। यहाँ से देखते हैं बालाजी धाम कितनी दूर है मेहंदीपुर बालाजी, है ना, डिस्टेंस कितना पड़ेगा वो भी आपको बताते हैं। अरे ये तो कल का लगा हुआ है 109, ये तो भाई गलत है। ये भाई 109 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, तो ये तो सिस्टम समझ में नहीं आ रहा भाई अपने तो। गलत भैया यहाँ से बालाजी कितनी दूर है? ओहो ओके, तो ये यही रूट है, ये हिंडौन होके और महवा होके और कोई रास्ता नहीं है? और ये वाला कैसा है, गंगापुर होके? अच्छा सबसे बढ़िया यही है, ये सीधा पड़ेगा। चाय वाय पी के, चाय खाली पी है और तो कुछ नहीं, क्योंकि अभी बालाजी महाराज के भी दर्शन करने हैं, तो मुंह झूठा नहीं किया भाई, मतलब झूठे का इन द सेंस कुछ खाया नहीं है, है ना। तो अभी चल रहा है भाई यहाँ से, जो डिस्टेंस है 110 किलोमीटर, 109 किलोमीटर है वाया गंगापुर सिटी भाई। 8:40 या मान लो 9 बजे भी अगर निकले हैं तो 9, 10, 11, 12 भाई 12 बजे पटबंद होते हैं, तो देखते हैं भाई। वैसे दर्शन बालाजी महाराज करा देंगे, टेंशन नहीं, क्यों अमित जी? बिल्कुल है ना, करा देंगे। और फिर वो ये दुकान वाले से पूछा था तो इन्होंने ये भी कहा था कि 12 बजे पटबंद होते हैं, 1 बजे दोबारा खुल जाते हैं। शाम को खुलेंगे, दर्शन करने हैं शाम को, दर्शन करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। कल वाला भाई साहब वीडियो भी अपलोड वो नहीं किया हमने एडिट, रात यार नींद आ गई तो सो गए। तो भाई रात तो हम आपको जो है ना कोई नजारा दिखा नहीं पाए, ना तो मुंबई एक्सप्रेस वे से ना राजस्थान में एंटर होने के बाद। तो अब देख लो भाई थोड़े से नजारे ना, क्योंकि नजारे जरूरी होते हैं जी, बिना इनके कुछ नहीं है, है ना। आंखों को सुकून तो नजारों से ही मिलता है जी, बाकी तो और तो साहब मोह माया है, है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ मोह माया भाई, बाकी सब तो देखो। ओहो राजस्थान में पानी की कमी है, पानी बह रहा रोड पे। वाह भाई वाह, ये देखो भाई प्योर राजस्थान की खूबसूरती देखो, वो मेन हाईवे पे तो आती रही है अमित भाई, देखना है बढ़िया बेहतरीन, अलग ही नजारा नजर आ रहा भाई, अलग ही। ये देखो गाड़ी चढ़ जाएगी वहीं पे पहाड़ों पे यार, ये ना चढ़ेगी, आर्मी की गाड़ी है ये। ये देखो जी पहाड़, और एक बात बताऊं, ये सुबह सुबह इस समय ठंडी हवा है ना, तो बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। दोपहर में जब थपेड़े पड़ेंगे ना यहाँ गर्मी के, तो फिर तो ये लगेगा कि भाई निकलो। बट सच में राजस्थान भाई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत जगह है यहाँ घूमने के लिए। देखिए भाई राजस्थान के प्रॉपर गांव, प्रॉपर गांव, हाईवे वाले गांव नहीं है ये, अंदर वाले गांव। ये देखो भाई साथ में थोड़ा सा खेला भी हो चुका है अभी अभी, एक जो टायर है ना वो पंक्चर हो चुका है गाड़ी का, पंक्चर ही है अभी जी, पंचर है भाई, उसमें हवा नहीं है, 10% हवा बची है, तो अब किसी हवा वाले को देखते हैं भाई वो हवा पड़ जाए। ये देखो इसमें 10% ही हवा नहीं बची भाई,
इसमें हवा डलवा लेते हैं। ये भाई फोन पे बिजी है, भाई हवा डाल रहा अभी इसको, है ना। वहाँ फिर बालाजी पे जब पहुँच के इसको वो करा लेंगे, पंचर वंचर करा लेंगे। अहमद भाई हाईवे से पहले ही करा लेंगे इसको। हाँ जो है ना हवा भी नहीं आ रही है भाई, ये देखो कपड़ा पड़ा लगा के जुआड़ से हवा डाल रहा है, पता नहीं यार क्या है, पड़ जाए बस एक बार हवा। अब जा रही है बच्ची भाई, ये देखिए ये कभी एक जमाने में ये भी कोई किला रहा होगा अमित जी, है चरंदा, कभी यहाँ भी लोग रहते होंगे, राजा महाराजा पता नहीं, कोई ना कोई तो रहता ही होगा। आज देखिए ये वीरान है, तुम्हें छोड़ गया हूं। इससे आप क्या समझे, इससे आप क्या सीख लेते हैं, इससे हम ये सीख लेते हैं कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती अमित जी। वक्त किसी का नहीं रहा, वक्त किसी का नहीं रहा, राजा से रंक और रंक से राजा, इसीलिए घमंड नहीं करना चाहिए भाइयों, भाई और बहनों घमंड नहीं करना चाहिए। इसके अंदर तो तिरंगा चल रहा है, ये देखो ऊपर मंदिर भी है वो देखो, गोल्डन, वही तो कह रहा हूँ जो गोल्डन मंदिर है, मंदिर होगा, मंदिर तो ऊपर लोग जाते होंगे, बाकी वैसे तो पूरा बंद ही होगा ना, यहाँ कौन रहता होगा, खंडर सा दिख रहा है ये देखो। लेकिन भाई सच में जमाना अच्छा, पहले का बनाने का ये देखो, दीवाले काली पड़ रही है, कोई पता ही नहीं, कुछ नहीं बनने की आप अगर आओ ना अभी तो आ जाना, बहुत शानदार रोड बनवाया है, चकाचक एकदम चढ़ाई है, आपको वीडियो में पता नहीं चल रहा है ना मिजी, गाड़ी चढ़ रही अच्छा, एक्सीलेटर मत दो, चढ़ाई कहाँ थे, कहाँ में कहीं मजे ले रहे हो, सवेरे सवेरे मोते गाड़ी नहीं चढ़ रही, देखना मस्त रोड है, कब गाड़ी ना चढ़ेगी यार। बढ़िया भाई, सुंदर, अद्भुत, बहुत सुंदर, एकदम वातानुकूलित वाला अनुभव हो रहा है भाई बाहर तो, बंदर बंदर लपक ले मेरे हाथ, ओहो वाह भाई वाह, आ गए मजे, ओ मिच्ची बिल्कुल 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 सतर उतर आई है भैया, ओहो चाले पाड़ रहे भाई ना, फाइनली ये देखिए मेहंदीपुर बालाजी, बालाजी मोड़ पे आ चुके हैं भाई, यहाँ से अपन हो जाएंगे अब राइट बालाजी महाराज के लिए अंदर की तरफ। तो टाइम हो चुका है भाई, टाइम भी दिखा दूं, 11 बज गए, अब देखते हैं कितनी भीड़ मिलती है, कितना समय लगता है दर्शन में यहाँ से, मतलब भाई ज्यादा नहीं है ना अंदर, दो तीन किलोमीटर है यहाँ से, राइट लेके अपन जाएंगे ये, ओके 1 2 3 बोलो बालाजी महाराज की जय। ये देखिए भाई बालाजी महाराज के दर्शन करिए, ये देखिए, ये देखिए बालाजी धाम आ चुके हैं, ये हो बालाजी महाराज। अमित भाई कहाँ रह जाते हैं, तुम कहाँ रह जाओ, हले हले, ये देखो भाई देखना, हेलो बालाजी जी महाराज की जय। तो भाई यहाँ से है अपना एग्जिट पीछे से, भाई बहुत सही कर दिया, बहुत मतलब टोटल सारा कुछ ही चेंज हो गया, बहुत आराम से दर्शन हो गया, मैं तो भाई कह रहे 2-2.5 घंटे लगेंगे, 10 मिनट में दर्शन हो गए भाई, बड़े आराम से, बहुत सुकून से। हम तो भाई आ रहे हैं, अब चलते हैं भाई, दर्शन तो हो ही गए दोनों जगह अपने, बढ़िया माता रानी के भी बहुत बढ़िया और यहाँ भी बहुत ही सुंदर। फाइनली अमित जी अपनी फेवरेट जगह जो कि होती है भोजन, नाश्ता आ चुका है, कचौड़ी और फेंटा लिया साथ में, क्योंकि भाई मुँह चल गया था मेरा कल है ना परसों, तो चाय वाय थोड़ी झल नहीं रही, शाम तक सही हो जाएगा, अभी फेंटा पी लेते हैं, और ये रही कचौड़ी। तो भाई ये है अंदर पार्किंग, बिल्कुल मंदिर के पास में है, मुझे बैठा लियो जहाँ में खड़ी है अपनी गाड़ी, ठीक है। पीछे सामान पड़ा हुआ है, प्रसाद वहाँ का, कपड़े कच्चा बनियान सूख रहा है, अरे और अमित जी ये तो हर वीडियो में मतलब हर उसमें आए होंगे क्लिप में, फैमिली कार है हमारी, फैमिली कार, कच्चा बनियान कार बना दी अमित जी ने, और अमित जी ने बना दी भाई ये कच्चा बनियान कार, आज से इसका नाम नहीं 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 गाड़ी वाले बुरा मान जाएंगे वीडियो देख लिया तो।
मैंने अमित जी से एक बात कही थी, अभी अमित जी भूल गए हो गाड़ी में आके बैठे थे, मैं वहां देख रहा था, मैंने कहा चलो अब तो चलिए। फाइनली यहाँ से निकल लिए हैं बालाजी महाराज के दरबार से, बोलो बालाजी महाराज की जय। ठीक है, और अब भाई यहाँ से दोनों जगह हो गए अपने दर्शन। यहाँ तो भाई मंगल है, खूब भीड़ है, लेकिन ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग है ना सुबह दर्शन कर चुके हैं। अब 12 बजे पट बंद हो जाएंगे, फिर 1 बजे खुलेंगे शायद, मुझे प्रॉपर मतलब सही से नहीं पता भाई, लेकिन हमारे दर्शन अच्छे से हो गए, बिना लाइन में लगे, बिना भीड़ भाड़, खूब सुकून शांति से, खूब अच्छे से, खूब प्यार से। ठीक है, अब यहाँ से निकल रहे हैं। माता रानी के भी दर्शन सुबह बहुत बढ़िया हुए थे भाई, माता रानी ने खूब देखो, उन्होंने अपने आप बुलाए, अपने आप दर्शन दिए। हमारे आप तो कह देते हैं कि भाई हम दर्शन करने जा रहे हैं, ना जी वो खुद बुलाते हैं, क्यों मत भाई? बिल्कुल जी बिल्कुल, है ना, तो उनकी मेहनत होगी, जब तक तो जाएंगे, मतलब ही नहीं है कि आप चले जाओ, ये वाली बात है। अब यहाँ से निकल रहे हैं भाई वापस सीधे गाजियाबाद के लिए, अब देखते हैं गूगल कौन सा रूट लगाता है, अभी तो लगाया नहीं है, बालाजी मोड़ पे जाके तब। तो भाई हम आ चुके हैं आगरा और जयपुर वाले रोड पे, और फाइनली रास्ता कौन सा हमें दिखा रहा है भाई, वही दिखा रहा है भाई, मुंबई एक्सप्रेस वे। तो आज मजे दिलवाएंगे आपको दोबारा से, लेकिन दिन के अंदर। भाइयों आपने कैमल ऊंट बहुत देखे होंगे, राजस्थान वाले भाइयों को छोड़ के मैं औरों की बात कर रहा हूँ भाई वैसे, लेकिन ये देखो भेड़ बकरियां देखी होंगी आपने इस तरह से, लेकिन ऊंटों के बीच से गाड़ी निकलते हुए, सामने रोडवेज बस निकलते हुए आपने नहीं देखी होगी, देख रहे हो ना कैमल्स, इतने सारे ऊंट। अरे तुम कहां से आए गए यार, ये देखो बच्चे भी हैं भाई पीछे पीछे, ये देखो भाई फाइनली वी आर ऑन मुंबई एक्सप्रेस वे गोइंग टू दिल्ली कमिंग फ्रॉम मुंबई, हम मुंबई से आ रहे हैं, ज्यादा पूछो बोल रहा है। तो भाई फाइनली अपन भाई लोग आ चुके हैं, आपके छोटे भाई लोग आ चुके हैं मुंबई एक्सप्रेस वे पर टुवर्ड्स दिल्ली, वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली। और यहाँ का भाई रेस्ट एरिया जो है ना अभी तो बहुत सारे चालू भी नहीं हुए हैं, बट भाई सीरियसली बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छी खासी स्पेस में है। और दूसरी चीज ये देख लो, फ्यूल उसका बिल्कुल जाने वाला है, हमने वहां पड़वाया नहीं, क्योंकि भाई राजस्थान में आपको पता है कितना महंगा है, रिलायंस की पेट्रोल पंप पे 112 रुपए कुछ पैसे अप्रोक्स लगा के चलो तो 18 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा है भाई, 1-2 रुपए नहीं 18 रुपए लीटर है ना, रिलायंस की टंकी की बात कर रहा हूँ मैं, अदर इसका मेरे को नहीं पता। दोनों साइड के नजारे आपको दिखा दूं एक बार, ये देखिए ये है राइट साइड का नजारा, ये है फ्रंट साइड का नजारा, ठीक है, और ये है हमारे लेफ्ट साइड का नजारा, ये देखिए ग्रीनरी पहाड़ हिल्स माउंटेन्स सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पर एक नमूना ये और दूसरा ये, ओए खेल मत करो यार। अरे बाप भाई मस्त आ रहा है, जो भी आ रहा है सुनो। भाई फाइनली थके हुए भाई साहब, सही में इतनी सुस्ती आ रही है, इतने परेशान हो गए इस पे, इतनी ये बोरियत हो गई इस पे, और अब जाके थोड़ी सी रौनक दिखती हुई अमित जी को, अब मौका मिला है अमित भाई को फाइनली और में जाने का, अमित भाई आनंद आ गए। तो ये इन चीजों को मिस किया जाता है भाई इस तरह के रोड्स पे, डॉगीज हैं, काउज हैं, बफेलोज हैं, और क्या क्या, हम तो प्राणी हैं हम तो चल ही रहे हैं क्या तो भाई, वैसे मजाक ये तो मजाक ही कर रहे थे, ऑब्वियसली बोर हो गए भाई, लेकिन ये आ गया अपना जो है फाइनली लास्ट वाला, वो क्या बोले उसको, टोल शुल्क प्लाजा। फाइनली ये उतर चुके हैं अपना गुरुग्राम गुड़गांव वाले रोड पे, 18 किलोमीटर यहाँ से गुड़गांव है, ये देखो यहाँ की पहाड़ी बताऊं आपको, बहुत बड़ी खुशखबरी भाई, बिना पेट्रोल लिए ये देखो 19.1 का ओवरऑल माइलेज और 795 सामने आ गई अपनी सोसाइटी। अमित भाई आ तो बेलन ले गई पीठ ठोको, बेलन और कछु ले लू है, चीबटा पीबटा चपचा पहुंचा। तो भाई अपनी सोसाइटी में आ गए, सबसे बड़ा काम है ना, सबसे बड़ा हेडक भाई 4:30 बज चुके हैं, मुझे एडिटिंग करके वीडियो लगाना है आप लोगों के लिए, भाई सबसे पहला काम ये है, सबसे इमरजेंसी, ठीक है, तो फटाफट पहुंच के बाकी चीजें बाद में, सबसे पहले करते हैं अपना वीडियो का काम भाई एडिटिंग का है ना, और फिर मिलेंगे आपसे उसके बाद। तो भाई फाइनली पहले दिखा दूंगा आपको टाइम, ये देखो 8:15 अभी जो वीडियो डाला था ना वो 7:50 पे भाई कंप्लीट हुआ था, आप लोगों ने शायद वो वीडियो देख भी लिया होगा है ना। और अब निकल रहे भाई थोड़ा सा बाहर, हाथ मुंह धो के एकदम फ्रेश बढ़िया मस्त, अमित भाई का पेट खराब हो गया, हमें हो गए दस्त वाह 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 एकदम बढ़िया एकदम मस्त, अमित भाई को हो गए दस्त, नहीं भाई हकीकत में दस्त हो गया।
तो अभी चल रहे भाई बाहर, एक जो है ना एक दो काम है, एक दो चीजें लेनी है। तो भाई एक चीज तो अपन ने ले ली है, एक दवा लेनी थी यहाँ से अपोलो फार्मेसी, ये ले आए। यार ये डिस्काउंट नहीं देते भाई कुछ है? ऐसा क्यों है? है? बोलो अरे चलो स्टार्ट करो भाई। जिसको हम ढूंढ रहे थे ना, जो जिसपे से हमने उस दिन खाना मंगाया था, वो यार यही दिखा रहा है गूगल में भी, अभी भी दिखा रहा है, हमें नहीं मिल के दिया। पता नहीं कहाँ यार, माँ वैष्णो करके कुछ नाम है, और माँ वैष्णो कुछ नहीं, माँ वैष्णो भोजनालय ही है, बट कहीं नजर नहीं आ रहा भाई कहीं। ये दूसरा चक्कर है अपना। चलो अमित जी उसी से स्विगी से मंगा लेंगे, और क्या करें भाई। अपन लोग वापस आ गए अपने फ्लैट पर। ओह अमित भाई ये कहाँ से आ गई है? क्या चॉकलेट रखी है? मैंने रखी है, वो छिलका पड़ा है। मेरी कहाँ है? मैं तो है? पास हो गई यार मैं, इधर तो देखना भाई, तुम्हारे पास हो गई। मैं तो बड़ा भी नहीं, मैं टच भी नहीं किया भाई, मैं तो अपनी खा के सीधे चाय बनाने आ गया हूँ। दूसरी कहाँ है? तो मुझे क्या पता, तुमने मुझे एक दी थी बस। मैंने तुम्हें दी थी? हाँ। कैमरे पे ज्यादा भले मत बोलो, ये कहाँ से आई? तुमने चॉकलेट नहीं दी? अच्छा खाओ भाई। देखो मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ, मिलजुल के बांट के, मिल बांट के चीज खाता हूँ। कब लाए थे? कब लाए थे? तो यही है भाई अभी के लिए, तो आज के लिए ठीक है। और थोड़ी सी थकान भी हो गई है, और बैठे बैठे गाड़ी में बोर तो हो ही जाते हैं, और रात नींद भी पूरी नहीं हुई। अभी जो है खाना वाना मंगा लेंगे, खा लेंगे। तो ये था आज के लिए, करते हैं इस वीडियो को भाई यहीं बंद। कैसा लग गया वीडियो बता देना जरूर, और पसंद आ गया तो लाइक कर देना, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देना, कोई इशू नहीं ठीक है। बाकी मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।